आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। अडानी फाउंडेशन कैमोर सीमेंट वर्क्स ने कलेक्टर को सौंपा 4,80,000 का चेक। धोड़ा परियोजना से प्रशिक्षित खेल प्रतिभाओं ने कलेक्टर अवि प्रसाद से की भेंट। अडानी सीमेंट के चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर सेंटर वैभव दीक्षित के मार्गदर्शन में अडानी फाउंडेशन कैमोर सीमेंट वर्क्स की टीम ने कलेक्टर श्री अवि प्रसाद से भेंट कर कोविड महामारी के दौरान अपने पिता को खो चुके विजय राहुगढ़ ब्लॉक के 20 बच्चों हेतु अटल बाल मित्र योजना के अंतर्गत 4,80,000 रुपये का चेक सौंपा। इस अवसर पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी नयन सिंह, जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के खेल अधिकारी विजय भार, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप डांगीवाल सहित अडानी फाउंडेशन कैमोर से श्रीमती एनेट एफ विश्वास, पंकज द्विवेदी, मनोज चौबे, सी के गुप्ता आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीकेपी इंडिया न्यूज, कटनी। फिर हम आगे बढ़े और हमने स्कूल शिक्षा विभाग से, सभी स्कूल्स के फेडरेशन से सर, और इनका हमको सहयोग और गाइडेंस मिला। तो हमने ये प्लान किया कि नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर हम एक महीने का समय स्टार्ट करें ताकि ये लोग हैंड पिक कर पाए अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ फन के लिए ज्वाइन कर रहे थे। तो ऐसा करके नेक्स्ट ईयर सर हमारे पास 365 बच्चे हुए, फिर 425 बच्चे हुए, 218 में ये फिगर 538 हुआ, 2019 में ये फिगर सर्वोत्तम रहा, उत्तरोत्तर प्रगति के साथ 616 बच्चे एनरोल हुए। तब चूँकि हमारे अमेरिका से, क्लस्टर से, अगवाली बेल्ट से और बहुत दूर दूर से गांव से, करीब 20 गांव के बच्चे आए, तो हमने 4 क्लस्टर में डिवाइड किया और हमने अच्छे नेशनल लेवल कोचेस को एंगेज किया सर, जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमने ये सोचा कि हम अपने जिले के ही लोकल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें एज कोचेज ऑल्सो। रसूल मजीद, ये गांधीनगर गुजरात से सर, गुजरात स्टेट के नंबर 1 वंदना डेविड, ये हमारी सहायक कोच है चौकाबाद हैंडबॉल की, सत्येंद्र हमने 100 बच्चों का टारगेट किया था और 238